हेलो दोस्तों, तो शाओमी की तरफ से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को अब अपडेट कर दिया गया है, काफ़ी सारे स्टेबल वर्जन जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं जिनको आप अपने शाओमी के फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेबल वर्जन को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे नए फीचर और बग्स को उसके अंदर फिक्स किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है मी 11X फोन और इसके अंदर जो है लॉन्चर को अपडेट कर दिया गया है। अब लॉन्चर में जो है आपको कुछ इस तरीके के आपको सर्च के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सुपर फोल्डर्स वगैरह ये सभी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनिमेशन जो है नो डाउट पहले से काफी स्मूथ हुए हैं, कोई भी बग वगैरह जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। नहीं तो मोस्टली कई बार जो था यहाँ पे आपको एनिमेशन में कोई थोड़ा बहुत जिटर वगैरह देखने को मिलता था। तो अब जो है लॉन्चर के अंदर जो है अपडेट दे दिया गया है जो ग्लोबल और इंडियन फोन में परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और सारी चीजें जो है लॉन्चर की यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिलती है और सर्च बार भी आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट सर्च जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि फुल्ली जो है वर्किंग है। मेनू में जाके आप इसकी सेटिंग्स में जाके आप किन किन चीजों को सर्च करना चाहते हैं वो सब ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये लॉन्चर जो है लेटेस्ट वर्जन है और आप जो है इसको अपने MIUI के सिस्टम लॉन्चर में अपडेट कर सकते हैं। अपडेट जो है काफी लोगों को रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर रोल आउट आपको नहीं देखने को मिला है तो आप इसको जो है डायरेक्टली हमारे जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और काफी सारे जो है आपको जो बग्स वगैरह देखने को मिले थे लॉन्चर में वो सभी अब यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। अगला अपडेट जो आपको देखने को मिला है वो आपके फोन की गैलरी और गैलरी एडिटर से रिलेटेड है। अब गैलरी के अंदर भी कुछ चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ। अगर आप गैलरी में जाते हैं तो मेनू पर जाते हैं सेटिंग्स में, तो अब आपको एक नीचे यहाँ पे एक और विंडो यहाँ पे देखने को मिलती है जिसमें आपको ऑल आइटम्स और कैमरा आइटम्स का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलते हैं तो अब इनकी पोजिशंस को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और कुछ इस तरह का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी जो है गैलरी एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है। इसके अंदर काफी सारे जो है नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। हर फोन के हिसाब से जो है अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एल्बम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे डिलीटेड आइटम्स और क्लीनर की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है जिसको यहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पे सेटिंग पैनल जो है थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलता है जिसमें आपको काफी सारे वीडियो इफेक्ट्स, आर्ट, कटआउट, क्लिप, कॉलेज और वीडियो एडिटर और मैप वगैरह के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन जो है साथ ही साथ गैलरी एडिटर को भी यहाँ पे अपडेट किया गया है जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें और भी ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे आपको AI टूल्स के अंदर काफी सारे नए फिल्टर्स, स्टिकर्स, फ्रेम्स वगैरह ये चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं और ब्यूटीफाई के अंदर भी आपको काफी सारे मोड यहाँ पे स्किन, फेस एंड बॉडी के यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। दो एप्लीकेशन और आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको गैलरी और गैलरी एडिटर को यूज करना है और उसके बाद जो है गैलरी के अंदर आप ये सभी फीचर्स को भी यूज कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे आपको कुछ अलग तरीके के आइकन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक एनिमेटेड आइकन आपको यहाँ देख रहे मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेटिंग्स के आइकन पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से गैलरी के आइकन पे भी आपको एक एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन से आइकन पैक है तो वीडियो को पूरा एंड देखिएगा, मैं आपको बीच में बताऊंगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड करते हैं फ्री में और कुछ इस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट आप भी अपने आइकन्स के ऊपर पा सकते हैं। अब अगला अपडेट जो आपको देखने को मिला है वो काफी अच्छा अपडेट है। काफी टाइम से काफी लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसमें कहीं ना कोई बग देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं वो आपके फोन की जो है बैटरी भी उसके थ्रू वहां पे ड्रेन होती है और बैकग्राउंड में काफी इफेक्ट पड़ता है। तो नो डाउट जो है सिक्योरिटी के एप्लीकेशन में जो UI जो नया था उसको वहां से रिमूव कर दिया गया है, उसमें कुछ बग्स थे। आपको पुराना ही ओल्ड आउटडेटेड UI देखने को मिला है बट ये स्टेबल वर्जन है जिसको ग्लोबली और इंडियंस के लिए रिलीज कर दिया गया है। काफी सारे फोन्स में ये अपडेट ऑलरेडी रोल्ड आउट हो चुका है। अगर ये आपको अपडेट देखने को नहीं मिला है तो सिक्योरिटी की एप्लीकेशन को भी आप अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद जो सिक्योरिटी के बग्स जितने भी आपके MIUI वर्जन में आपको देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और सिक्योरिटी ऐप को भी अपडेट कर सकते हैं। यानी आपको चार एप्लीकेशन जो है अपडेट दिए गए हैं, एक MIUI का सिस्टम लॉन्चर, एक आपको गैलरी मैनेजर, एक आपको गैलरी एडिटर और एक आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन। इन चारों एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्पॉटलाइट सर्च आपको देखने को यहाँ पे अब मिल जाता है लॉन्चर के अंदर। नो डाउट लॉन्चर पहले से काफी ज्यादा स्मूथ हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कौन सा आइकन पैक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ इस तरीके के एनिमेशन इफेक्ट आपको यहाँ पे आइकन्स में देखने को मिलते हैं। ये सभी के सभी आइकन जो है आपको iOS 17 की तरह ही यहाँ पे लुक प्रोवाइड करते हैं। तो जो आइकन पैक हम यूज कर रहे हैं उस थीम का नाम है OS Mod Version 11। इसके जो डेवलपर हैं राहुल शर्मा, ये फ्री थीम है। आप इसको अपने इंडियन थीम स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे आइकन्स के ऊपर। तो उसके बाद जो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट जो है आपको भी अपने आइकन्स पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि फाइनली Xiaomi की तरफ से जो है काफी स्टेबल वर्जन जो है कुछ ऐप्स के रिलीज कर दिए गए जिनको आपको अपने Xiaomi के फोन पे जरूर अपडेट कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।